गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बेटा यहाँ आपको जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको क्लासिफाई करना है और बताना है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, लेस होता है, छोटा होता है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ होल नंबर विद प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर के साथ अगर प्रॉपर फ्रैक्शन लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट पार्ट है इसका 15/8। अब बताना है 15/8 कैसा होगा, कैसा फ्रैक्शन होगा। अभी मैंने बताया ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, कि कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 8/15। अब यहां देखना 8/15 में इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना वो ज्यादा है, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बात करते हैं 1/5/8 की। 1/5/8 ये कैसा फ्रैक्शन है, देखिए यहां पर आपका 1 होल है और 5/8 एक ऐसा फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इट मींस अ होल विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन विद अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां देखिए 1/5/8 इसलिए कैसा फ्रैक्शन होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ये नेक्स्ट है 2/11/15। यहां देखिए होल में दिया गया है नंबर, 2 होल 11/15 ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 20/17। यहां देख रहे हैं इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, ज्यादा है, इसलिए कैसा फ्रैक्शन होगा, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लास्ट में है 3 होल 1/7। ये देखिए 3 होल में है इसलिए क्या होगा, जब ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। बेटा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इरेज कर दें इसको, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन।
बेटा जो फ्रैक्शन दिया गया है इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है, आपको बताएंगे, उसके बाद आपको स्वयं करना होगा। हम क्या करेंगे, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 5 जा 15 और आपका रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन को 18/5 को, और इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। अब देख पा रहे हैं जो आपका डिवाइजर ये 5 है नीचे, तो आपका 5 ही रहेगा, और आपका जो क्वेंसियंट आया है, क्वेंसियंट कितना आया है, 3 आया है। क्वेंसियंट कितना आया है, 3 आया है, तो 3 आपका होल में होगा और जो आपका रिमाइंडर बच रहा है ये आपका न्यूमरेटर में होगा। इसको लिखेंगे 3 होल 3/5, कैसे, 3 5 जा 15 3 5 3 जा 15 5 3 जा 15 15 प्लस 3 18 18/5, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, वो है 12/5। अब क्या करना है, 12 को 5 से डिवाइड करना है तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 5 जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर देखते हैं डिवाइजर आपका 5 ही रहेगा और जो आपका क्वेंसियंट है 2 ये होल में आएगा, जो रिमाइंडर नीचे बचता है उसको हम न्यूमरेटर में ऊपर लिखते हैं। ये हो गया सी पार्ट है, 16/7। अभी क्या करना है, 16 को 7 से डिवाइड करना है तो 2 टाइम जाएगा, 16 2 जा 14, क्या हुआ, 2 होल 2/7। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म ये पार्ट है, 36/60। हाँ, 9 का बचा हुआ पार्ट, हाँ 9 का बचा हुआ पार्ट होमवर्क में करना है, जो भी पार्ट हम छोड़ रहे हैं सब आपको होमवर्क में करने हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन आपका दिया, क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो आपको फ्रैक्शन दिया 36/60, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है ए, 36/60, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, 36 और 60 का आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर भी देख सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। आप नंबर देख पा रहे हैं 36 और 60, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। देखते हैं एचसीएफ कितना आता है, 36 और 60 का एचसीएफ देखते हैं कितना आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 60 है। 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अभी देखिए मैंने 36 और 60 का फैक्टराइजेशन किया है, अब दोनों में कॉमन नंबर क्या है, ये 2 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 3 एक ही बार कॉमन है, इस 3 को हम कॉमन नहीं मानेंगे। यहाँ 5, इसमें 5 नहीं है, इसलिए 5 कॉमन नहीं होगा। कौन कौन से नंबर कॉमन है, 2 दो बार कॉमन है और 3 एक बार कॉमन है, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 12 आएगा। एचसीएफ फाइंड करना था, दोनों का एचसीएफ कितना आ गया है, 12 आया है, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60, 12। हाँ नहीं, उसको नोट नहीं करना था, समझाने के लिए बताया था, उसको आपको एचसीएफ फाइंड करना रहेगा। जैसे 36 और 60 दोनों का पहले एचसीएफ फाइंड करो, दोनों का एचसीएफ देखो कितना आया है, 12 आया है। अब 12 को 36 को डिवाइड करेंगे और 12 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको लिखेंगे, अब देखो 36 है, 36 को 12 से डिवाइड करना, तो लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 12
और नीचे जो 60 है 60 को भी क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। अब 36 को 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 12 थ्री जा 36 3 हो जाएगा ऊपर, नीचे 60 को 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, ये हो गया 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है 18/24। अब 18 एंड 24 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे, 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से तो 9 आएगा, 3 1 3, और 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से जाएगा 12 आएगा, 2 6 2 3 3 1 3। अब देखिए एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। अब कॉमन क्या है इसमें देखो, 2 कॉमन है यहाँ पर तो और 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 2 जो कितना हो जाएगा 6, एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। अभी मुझे करना क्या है 18 और 24 को 6 से डिवाइड करना होगा, तो लिखेंगे 18/24। अब 18 को हमें 6 से डिवाइड करना है और 24 को भी हमें 6 से डिवाइड करना, जो एचसीएफ आएगा उसी से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को। अब अगर हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी पार्ट का हुआ आंसर, बेटा साइड में ही है, हम नोट कर लीजिए। ओके, अभी वीडियो भेज देंगे। नोट हो गया बेटा। अब इसी का सी पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट है। अब यहाँ पर 13 है, 13 का एचसीएफ कितना आएगा, 13 और 39 का फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से जाएगा 13 आएगा, 13 1 13, दोनों में कॉमन क्या है 13, दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 13 एंड 39 कितना आएगा, कॉमन जो 13 है तो एचसीएफ 13 आ जाएगा। अभी डिवाइड करना है दोनों को। ठीक है, अब 13 को 13 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 13/39। अब 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 39 को हम 13 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, 13 से 13 कैंसिल 1 आएगा। अब 39 को 13 से डिवाइड 13 3 39, 3 टाइम जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए आप लोग। यह आज की क्लास में बेटा इतना ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छा दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम आपके पास इमेज भेज देंगे। ठीक है, वीडियो भेज देंगे इसकी। हाँ ठीक है, नोट दिख रहा है, दिख रहा है, ओके दिख रहा है तो नोट कर लीजिए।